गाइस आप कितने मिनट तक सांस रोक के रह सकते हो? एक मिनट, दो मिनट, और अगर कोई खास ट्रेनिंग आपने ली है या फिर योगा शोगा करते हो तो मैक्सिमम 9 मिनट तक। लेकिन इससे ज्यादा कोई आम इंसान सांस रोक के नहीं रह सकता। लेकिन हमारे बीच ही एक ऐसा सुपरमैन है जिसने 24 मिनट 3 सेकंड और 45 मिली सेकंड तक सांस रोक के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया है। उस सुपरमैन का नाम है एलेक्स सेगुरा। गाइस वो स्पेन से हैं और सालों की कड़ी मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो ऐसा कर पाने में सक्षम हुए हैं। इसलिए आप लोग इसे घर पे ट्राई मत करिएगा। गाइस वर्ल्ड रिकॉर्ड सीरीज की ये वीडियो आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोरोना की सिचुएशन में बहुत जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है और हम लोग अपने घरों में रहने पे मजबूर हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना की ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी तो हम में से बहुत से लोग बाहर वेकेशन के लिए जाना चाहेंगे। और अगर आप भी वेकेशन के लिए प्लान करें तो मेरे पास आपके लिए एक टिप है। गाइस वियतनाम आपके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले तो वो बहुत खूबसूरत जगह है और दूसरा काफी इकोनॉमिक भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 100 इंडियन रुपीज लगभग 31,300 वियतनाम डोंग के बराबर है। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि वियतनाम की यात्रा आपके लिए कितनी सस्ती और अच्छी हो सकती है। अगर आप अपने चेहरे पे आने वाली झुर्रियों से बचना चाहते हैं, अपने चेहरे पे ग्लो चाहते हैं और यंग दिखना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए घरेलू उपाय है। गाइस इसका सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे नेचुरल उपाय है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को आपको बाहर से भी खरीदने की जरूरत नहीं है। इसका पौधा आप घर पे ही लगा सकते हैं और उसके बाद एलोवेरा से एलोवेरा जेल भी आप घर पे ही निकाल सकते हैं। और अगर आप हर दिन 20 मिनट के लिए एलोवेरा जेल अपने चेहरे पे लगाएं और उसके बाद साफ पानी से अपने चेहरे को धो लें और अगर आप ये रेगुलरली करते हैं तो आपके चेहरे पे ग्लो आएगा और आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी और आप युवा दिखने लगेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, उनकी इंटरनेट पे ये जीभ निकालते हुए फोटो आपने जरूर देखी होगी। पर क्या इसके पीछे का आप लोग राज जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का 72वां जन्मदिन था और उस दिन एक फोटोग्राफर ने उनकी फोटो खींचते वक्त उनसे रिक्वेस्ट की कि सर थोड़ा मुस्कुराइए। अब उस दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन मुस्कुरा कर थक चुके थे और इसी वजह से उन्होंने इस तरह से मुंह खोल के जीभ बाहर निकाल दी। और आप लोग ये जान के हैरान रह जाएंगे कि आगे चलकर यही फोटो 80 लाख रुपए में बेची गई जिसपे एल्बर्ट आइंस्टाइन का सिग्नेचर भी था। गाइज ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं और इसी वजह से वो और भी अमीर होते चले जाते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक बार किसी ने रतन टाटा जी से पूछा कि अगर अभी आपको BMW खरीदनी हो तो आपको कितना समय लगेगा? तो रतन टाटा जी ने जवाब दिया 5 साल। तो उस बंदे ने कहा कि 5 साल? आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, मैंने तो सोचा कि आप चुटकियों में खरीद लेंगे, तो 5 साल कैसे? तो रतन टाटा जी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। रतन टाटा जी ने कहा, BMW एक बहुत बड़ी कंपनी है। जहां आप और हम जैसे लोग BMW कार के बारे में सोच रहे थे, वही रतन टाटा जी BMW कंपनी को खरीदने के बारे में सोच रहे थे। इसलिए गाइस ये कहा जाता है कि अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो सोच भी बड़ी रखनी होगी। ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस आपने SAARC ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसे 1985 में बनाया गया था और टोटल 8 कंट्रीज इस SAARC की मेंबर है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो 8 कंट्रीज कौन सी हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक है MBBS पेन। एम मने मालदीव्स, बी मने बांग्लादेश, बी मने भूटान, एस मने श्रीलंका, पी मने पाकिस्तान, ए मने अफगानिस्तान, आई मने इंडिया और एन का मतलब है नेपाल। इस ट्रिक का श्रेय UPSC ड्रीमर्स को जाता है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में।